हमारी ऋषियों की बहुत ऊंची ज्ञान परंपरा है। अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र होते हैं, 4000 सूत्रों को स्मरण करना, फिर उनको समझना और उस अष्टाध्यायी और धातु पाठ को जो स्मरण कर लेता है वह लाखों नहीं करोड़ों शब्दों को समझने का और करोड़ों शब्दों को बनाने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। इतना बड़ा शास्त्र है यह अष्टाध्यायी, जिसमें 4000 सूत्र हैं, फिर 2000 धातुएं हैं धातु पाठ में। तो विद्यार्थियों ने, बच्चों ने धातु पाठ भी याद किए हैं और धातु पाठ के साथ लिंगानुशासन, अष्टाध्यायी, ये भी तीनों तीनों शास्त्र पंचोपदेश कहते हैं पाणिनि के, वो भी विद्यार्थियों ने स्मरण किए हैं। तो थोड़ी सी झलक हम इन बच्चों के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे बहुत मेधावी छात्र और भी हैं, और भी हमारे ब्रह्मचारी भाई और ब्रह्मचारी बेटियां हैं जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, लेकिन प्रतीक के रूप में कुछ को आज सामने रखा है। ऐसे कई बार प्रतियोगिताएं हुई हैं, दर्शन, उपनिषद, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, अनेक शास्त्रों का, वेदों का, गीता आदि का स्मरण बच्चों ने किया है। तो जो जो इस विद्या के क्षेत्र में ऋषि ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बार सबका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। दस, बीस, सौ, 200 मंत्र किसी को याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है। हमने देखा है विद्वानों को, किसी को 10-20 मंत्र याद है, उनका अर्थ याद है, और मैंने देखा है वो 25-25, 50-50 साल से देश में प्रवचन करते रहते हैं। किसी को 100-200 श्लोक या मंत्र याद हो जाएं तो वह बहुत अच्छे कथाकार, प्रवचनकार, उपदेशक बन जाते हैं। हमारे यहां पर एक बेटी है, उसने, संगीता ने, अमरकोश के 1000 श्लोक याद किए। एक बार जोरदार अभिनंदन है बेटी का, और अपने हाथों से ही लिखा भी है। तो मैं सबसे पहले सबसे कठिनी परीक्षा प्रारंभ करता हूं कि किस तरह से ये पूरा उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ भी है। अच्छा है किसी शास्त्र को लिखने से फिर वो हमारे भीतर, हमारे मस्तिष्क में भी अंकित हो जाता है। तो सबसे पहले संगीता जी खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के वो ये 1000 जो अमरकोश के अंदर जो श्लोक हैं उनका स्मरण किया है, और इसमें कितने हजार शब्द हैं उनको आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः, क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः, प्रधानं प्रकृति स्त्रियां विशेषः, कालिको अवस्था गुणा सत्वं रजस्तमः, जनुर्जनन जन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः, प्राणी तु चेतनं जन्मी जन्तु जन्यु शरीरिणः, मोक्षपवर्गो था जानम अविद्याहमति स्त्रियां रूपं शब्दो गंधर्थश्च परसश्च विषया अमि गोचरा इंद्रियार्थश्च हृषीकं च दिनान्ते, प्रभातं च दिनान्ते तु सायं संध्या पितृ प्रसूः, प्राह्ना प्राह्ना मध्याह्न स्त्री संध्या मत शर्वरि, तुषारः शीतलः शीतो, तुषारः शीतलः शीतो, हिम सप्ताने लिंगकाः, ध्रुवे औत्तानपादी स्यात् अगस्त्य कुंभसंभवः, मैत्रा वरुणिरस्यैव लोपा मुद्रा सधर्मिणी, नक्षत्रमृक्षं भमतारा तारका प्यूढवा स्त्रियां, दक्षा यन्योष्णि इत्यादि तारा अश्वयुगश्विनी, राधा विशाखा पुष्येतु सिद्ध्यति श्रविष्ठया, समाधनिष्ठा सुप्रोष्ठ भाद्र भाद्रपदा स्त्रियः, मृगशेषं मृगशिरः, आपः स्त्री भूमि वारवारी, सलिलं कमलं जलं, पयः कीलालम अमृतं, जीवनं भुवनं वनम्, भागीरथी त्रिपथगाति सोत्रा भीष्म सूरपि, कालिंदी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा, भाग शरावती वेत्रवती चंद्रभागा,
पुंडरीकम स्तंभोजम अथ रक्त सरोरुहे रक्तोत्पदम कोकनदम नालो नालम अथा स्त्रियाम सुराज्ये देशे राजन वान स्यातोनरत्र राजवान गोष्ठम गोष्ठनकम तत्तु गोष्ठीनम भूतपूर्वकम वातायनम गवाक्षोत मंडपो स्त्रीजनाशयः हर्म्यादि धनीनां वासः प्रासादो देव भूभुजाम सैंधो स्त्री राजसन सैंधो स्त्री राजसदनम पूरे एक बार भी त्रुटि नहीं कर लिए हैं। बंदा वृक्षादनी वृक्ष रूहा जीवंती केत्यपि वत्सादनी छिन्न रूहा गुडु चितंद्रिका अमृता प्रचोदनी कुल शुद्रा दुष्प्रशो राष्ट्र केत्यपि नीली काला कृतिका ग्रामीणा मधुपर्णिका श्रीफण गोपी श्यामा शारिवा स्यात् अनंतोपल शारिवा योग्य वृद्धि सिद्धि लक्ष्म वृद्धेरप्याफया इमे कदली वारण वुसारंभ मोचांशु मत्फला काष्ठीला मुद्गपर्णी तु काग मुद्गा सहित्यपि क्या बात है। जो है जोरदार अभिनंदन इस बेटी का, माने कोई घबराहट नहीं और स्नानम चर्चिक्यम स्थासकोत प्रबोधनम अनुबोध पत्रलेखा पत्रांगुलिरिमे समे पाठो होमशातिथीनम सपर्यातर्पणम बलि एते पंच महायज्ञा ब्रह्म यज्ञादिनामकाः समज्ञा परिषद गोष्ठी सभा समिति संसद आस्थानी क्लियमास्थानम प्रवासनम परासनम निषूदनम निहिसनम निस्तर्पणम निवहन संजपनम निर्गंथनम अपासनम निस्तरहनम निहननम क्षणनम परिवर्जनम समानौ रसवत्याम तु पाकस्थान महानसे। एक बार जोरदार अभिनंदन इस बेटी का, माने 1000 श्लोकों में विस्मरण नहीं करना और उसके में पूरा धैर्य रखते हुए पूरे शास्त्र को हृदयंगम करना, ऐसे प्रतिभावान ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारिणियों के द्वारा ये कन्या वैदिक कन्या गुरुकुलम का और हमारे अभी ब्रह्मचारियों का भी क्रम आएगा वैदिक गुरुकुलम का, गौरव बढ़ रहा है। तो एक बार सभी ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारिणियों को श्रद्धेय गुरुदेव को और बहन सविता को और इतनी दिव्यता से जो बेटियां तैयार हो रही हैं सबके लिए, भाई बहनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये तो थी बेटी संगीता और इसने बहुत दिव्यता के साथ में आपको ये अमर कोश के ये 1000 श्लोकों को स्मरण करने का, ऐसे हम हजारों हजारों सूत्रों को हजारों हजारों श्लोकों को स्मरण कर सकते हैं। भगवान ने इतनी दिव्यता हमें प्रदान की है तो ये ज्ञान पर्व है, गुरु पर्व, और ज्ञान ऋषियों का हमारे जीवन में हमारे मस्तिष्क में प्रतिष्ठित हो। अभी हम अष्टाध्यायी धातु पाठ और लिंगानुशासन तीनों जिनको स्मरण है, वैसे हमने भी ये शास्त्र गुरुकुलीय अध्ययन में स्मरण किए थे और पढ़ते समय हम 4 से 8 घंटा सेवा किया करते थे, 4 से 8 घंटा भिक्षा की सेवा, 40 ब्रह्मचारियों का भोजन हम गांव से भिक्षा में मांग करके लाया करते थे और गुरुकुल खानपुर के ब्रह्मचारियों की ये भिक्षा सेवा का दायित्व श्रद्धेय गुरुजी ने जो हमें दिया था उसको निभाया करते थे। 40 ब्रह्मचारियों के लिए गांव से भिक्षा मांग के लाना, गुरुकुल कालवा में श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में हमको गो सेवा का दायित्व दिया तो अपने हाथों से हमने 40-40 गायों की सेवा की है और अपने इन हाथों से ही हाथ दुख जाया करते थे, दंड बैठक भी लगाया करते थे और करीब करीब 10 से 15 गायों का दूध अपने हाथों से निकाला करते थे और दूध निकालने के साथ साथ उनका गोबर ही उठाना, उनको चारा भी करना। और एक तो पहले ब्यात में गाय ने करीब 15 किलो या 20 किलो दूध दिया था पहले ही ब्यात में, उसको मैं अपने हाथों से दलिया बना करके चना बना करके खिलाया करता है। और भी जो भी दायित्व दिया गुरुजी ने खेती करने का, अपने हाथों से आधा आधा एकड़ जमीन तो फावड़े से खोद दिया करते थे हम, आधा एकड़ जमीन ऐसे लगा रहे थे।
तो गुरु जी ने जिस सेवा में लगा दिया उसको क्या करते थे। तो ये शास्त्र पाणिनि अष्टाध्यायी, लिंगानुशासन, धातु पाठ तो हमने पता नहीं 13 या 14 दिन में ही स्मरण कर लिया था, जब उस समय थोड़ा समय मिल गया था। अभी हम ब्रह्मचारी सौरभ जी खड़े हो जाएंगे, इन्होंने अष्टाध्यायी, धातु पाठ, लिंगानुशासन तीनों ही स्मरण किए हैं, तो एक बार जोरदार अभिनंदन ब्रह्मचारी सौरभ जी का। तो पहले अष्टाध्यायी सुन लेते हैं इनसे थोड़ा सा। तो वैसे तो अब अकेला ही मैं सुनने में लगा हुआ हूँ, लेकिन समय क्योंकि कम है इसलिए कईयों को सुनने का, नहीं तो जो कोई भी सुन सकता है। सामंत्रितम एक वचनम, एक वचनम संबुद्धि षष्ठी शेषे जीवमिदर्थस्य करणे अधिगर्थ दयाशाम कर्मणि क्रिया प्रत्यय कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेशु स्तंभ शक्रितोरिन कर्मण्यज्ञाख्यायं कर्मणि निविक्रियः दृश्यः क्वनि प्राजन युधिक्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्ढः पञ्चम्यां अजातौ उपसर्गे च संजयम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सूयजोर्मुनि ढकिलोपः मातृष्वसुश्च चतुष्पाद्भ्यो फलेलुक्लक्षादिभ्योण जम्बुआवा लुप्त कुशलः पथः आकर्षादिभ्यकन् धनहिरण्यात् कामे उदराठगाद्युन सस्येन परिजातः अंशम हरि पूजनात् किमाक्षेपे नस्तत्पुरुषात् जोरदार अभिनंदन है ब्रह्मचारी का, बिना विस्मरण किए अष्टाध्यायी। मैंने ये तो कुछ हम प्रतीक के रूप में पूछ रहे हैं, लिंगानुशासन में थोड़ा सा करते हैं, हमें भी बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। पुमान घय बंतः घाजंतश्च भयलिंग भग पदानि नपुंसके नंगंतः याच्य स्त्रियां क्यंतो घोः इशुधीः स्त्री च देवासुरात्म स्वर्ग गिरी समुद्र नख केश दंत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, धातु पाठ सुनते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है ब्रह्मचारी का। ये धातुएं 2000 धातुएं हैं, वर्ब्स अंग्रेजी में बोलते हैं ना, तो 2000 धातुएं आपको स्मरण है तो आप हजारों लाखों शब्दों की रचना कर सकते हैं। धातु पाठ और अष्टाध्यायी यदि आपको ठीक से स्मरण है, और लाखों करोड़ों जो शब्द राशि है संस्कृत की, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि से लेकर के संस्कृत का विराट साहित्य उस सब के, तो धातुएं थोड़ी थोड़ी तो आप ये जो पठती पठंती 2, 4, 10, 20 धातुएं आप याद करते हो, ऐसे 2000 धातुएं ब्रह्मचारी ने याद की हैं। तो श्री गतौ हरिगति प्रापण यो हो गृघ्रसेचने धुरी होर्चने श्रुगतौ शुप्रसवैश्वर्य यो हो श्रुश्रवणे ध्रुव स्थैर्य दुद्रुगतो। जोरदार अभिनंदन ब्रह्मचारी का। तो कहीं एक आधी बार कहीं थोड़ा सा भूल हो जाए तो थोड़ा सहारा दे देते हैं। तो भाम क्रोधे क्षमुष सहने कमुकांतौ इत्युदत्त अनुदत्तेतः अथाणादयो क्रम्यन्तास्त्रिंशत् परस्मी भाषाः चमुभक्षणे रीक्षि चिरिजिरि दासरिद्रहिंसायां मन्तु अपराधे फिर वल्गु पूजा माधुर्ययोः असुपतापे असु अस्मि इत्येके। चलो जोरदार अभिनंदन, बहुतों का सुनना है इसलिए थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं। तो ये ब्रह्मचारी सौरभ जी, ब्रह्मचारी पवन जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, उत्साह बढ़ाइए। जो है समूह में कई बार तो हजारों लोगों को देख करके विस्मृति हो जाती है। अर्ध धातु के अधो जगति लिप्ति लुंग सुन गसली गए पोश्च बोलम चंद से लेटेन दर्शा वे वही हनुमत लिंगी लुंगी चात्म निपदेश में दर्शा में डोगा लिंगी डोगा में बोले मदो अनुपसारके मदो अनुपसर्गे प्रमदा समुद्र हट से समुद्र जा पशु सक्ष शुक्ला प्रेम सरते हुआ शमशान चा में न्याय विवश अंगे दिन निपान महावा भाव निपा सर्ग से अनशरण सस्यरण एटोत सुटित हो जय जुस जय वस्तव जय वस्तव। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है इस ब्रह्मचारी का। थोड़ा सा लिंगानुशासन सुन लेते। कंसम चा प्राणी रश्मि दिवसा विधानानि दी देती स्त्रियां देना हानि नपुंसके माना विधानानि नपुंसकं भावे लुडन्ता निष्ठा च त्वेषयौ तद्धितौ
बहुत बहुत अभिनंदन। कर्मणि च ब्राह्मण आदि गुणा, पहले जो आता है उससे थोड़ा ज्यादा पूछ लिया जाता है, अभी तो क्योंकि जल्दी जल्दी पूछना है। सुच सो के कुछ शब्द तारे कुंच कुंच गति कोटल भावे लुंच पयने वंचु पूजा मधुर वंचु चंचु तंचु तंचु पुंचु पुंचु मृचु मृचु आय वय पय मय चय आय वय पय मय चय तैन गतवन रक्षण चय धर दान गति रक्षण चलनेशु हुई तंतु संताने पुई विषण दुने चक्ष मई दुने स्वाई पुरे विद्धौ तारी संतान पालने शल चलन संतान। जोरदार वीरेंद्र वंशारी का। चलो और सुना दो एक दो। सस प्राण ने अनच शिष प्राण ने अनाचा जक्षा बक्सा आसन यो हो। जोरदार अभिनंदन इस ब्रह्मचारी का भी। पवन जी और रोहित जी आ जाएंगे अब। ये अष्टाध्यायी और धातु पाठ लिंगानुशासन तीनों स्मरण किए हुए ब्रह्मचारियों ने, तो ये छोटा ब्रह्मचारी है तो छोटे ब्रह्मचारी के लिए थोड़ी और जोरदार ताली बजा दीजिए। आप भी ऐसे स्मरण कर सकते हैं। उच्चैर उदात्त नीचैर अनुदात्त समहार श्रीत तस्यादि उदात्त मृदस्म एक श्रुति दुरात समुद्धौ यद कर्मण्य जपन्यं शामसु चेस्त्राः षट्कारः न स्वरम्यां श्रीत सुदात्त देवरुणदत्त समहार श्रीत तस्यादि उदात्त मृदस्म। वे वेह शब्द कर्मणः अकर्मकाच्च सम्मानोत संजनाचार्य गणजान वृत्ति विगुणे शून्य कर्तृत्वे च सर्गमाणि यस्य चायामः जोरदार अभिनंदन ब्रह्मचारी ने अच्छी याद कर रखी है। तो धातु पाठ लिंगानुशासन धातु पाठ में तो बड़ा लंबी लंबी धातुएं हैं। अवरक्षण गति कांति अवरक्षण गति कांति प्रीति दृप्त अवगम प्रवेश श्रवण सम्य अर्थ याचन क्रियच्छा दीप्त वाप्त लिंग निज दान वाक वृद्धिशु। जोरदार बहन देखो एक अव अव धातु से ओम शब्द बनता है ना, तो ओम शब्द के कितने अर्थ हैं, तो ये धातु आपको पता होगी तो आप ओम शब्द के अर्थ बता पाओगे। तो ये एक एक धातु की ऐसी महिमा है। तो बैठ जाएंगे ब्रह्मचारी, जोरदार अभिनंदन है इनका भी। तो ये थे ब्रह्मचारी रोहित जी, और अब कुछ बेटियों ने देखो शास्त्र स्मरण की हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है। अष्टाध्यायी फिर दर्शन उपनिषद वेद, कोई कोई तो चारों चारों वेदों को स्मरण कर लेते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों को चार चार दर्शन भी स्मरण है, ग्यारह ग्यारह उपनिषद भी स्मरण कर लेते हैं। ऐसे हमारी बेटियों ने जैसे इन्होंने अष्टाध्यायी लिंगानुशासन धातु पाठ आदि याद किया है, ऐसे ही बेटी हर्षिता है उन्होंने धातु पाठ याद किया है। हर्षिता और अष्टाध्यायी भी याद की धातु पाठ। चलो धातु पाठ ही सुन लेते हैं आपसे। तो वागति गंधन यो हो वागति गंधन यो भा दीप्त स्ना शौचे श्राप पाके दा कुत्साहम गतौ साप भक्षणे पा रक्षणे। तो जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, पहली बार में अटके नहीं है। देव क्रीड़ा विजी की इप्सा दिव क्रीडा विजय विजय कीश व्यवहार दीति स्तुति मद मद स्वप्न कांति गति शिव तंतु संतानी श्रीव गति शोषण योगो स्टीव निरस अनिष्णु सदने। अब आपको थोड़ा बता भी देते हैं क्यों पूछते। अब जैसे आपको पहले हमने अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम वो प्रवेश आदि जो बताए थे। अब जैसे देव शब्द के अर्थ करते हैं, जैसे मेरे नाम के पीछे क्या लगा है राम देव, ऐसे बहुत देव देव देवता ऐसे बोलते हैं ना। तो देव शब्द या देवी शब्द किससे बनेगा, दिव्य धातु से बनेगा। तो दिव्य धातु के कितने अर्थ हैं जो अभी बता रही थी बेटी। ऐसे आपको संस्कृत के शब्दों का अर्थ धातु पाठ से ही पता लगता है। तो धातु पाठ तो बहुत से बच्चे याद कर सकते हैं और आचार्य कुलम के बच्चे भी याद कर सकते हैं। जो शास्त्र याद करेगा उसको हम पारितोषिक विशेष रूप से दिया देंगे, आप भी याद कीजिए। तो आचार्य कुलम के बच्चे तो बड़े तीव्र मेधा वाले हैं। तनु विस्तारे क्षणो दाने तनु विस्तारे क्षणु दाने क्षणु हिंसा क्षणु च ऋणु गतौ त्रिणु वदने घृणु दीप्तौ इत्युदत्त स्वरितेत्त अथ द्वावात्मने भाषौ वनु याचने मनु वबोधने इत्युदत्त वनुदत्तेत अथैको भयतो भाषा डुक्नियकरणे अनुदत्त। तो बेटी ने बहुत अच्छा याद किया, तो एक बार जोरदार इसके लिए अभिनंदन हो जाए हर्षिता के लिए भी। और अब बहुत से ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां बाकी है, लेकिन जो है स्वाति से पूछते हैं। स्वाति ने अष्टाध्यायी भी याद किए, योग दर्शन जो है अष्टाध्यायी एक बार सुनते हैं पहले। स्वाति के लिए जोरदार अभिनंदन है बेटी के लिए। ऐसे सबको स्मरण करना चाहिए और शास्त्रों का फिर पाठ करते रहना चाहिए। थोड़ा आधा आधा एक
घंटा भी पाठ के लिए देते रहते हैं तो पूरे जीवन भर ये शास्त्र हमारे भीतर प्रतिष्ठित रहते हैं, और ज्ञान तो ये हमारे संस्कारों के रूप में हमारे भीतर संचित रहता है। अब तो इस तरह की घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं, पिछले जन्म में जो पढ़ा वो इस जन्म में काम आता है। अभी पिछले दिनों एक बार अखबार मैं टीवी पर देख रहा था, तो 2-3 दिनों तक पूर्व जन्म में जिन्होंने जो शास्त्र पढ़े, जो विद्या पढ़ी, जो भाषा पढ़ी, वो अगले जन्म में उनको स्मरण रही। ये यहां तक प्रभाव पड़ता है। तो ये जो आप यहां पर आ रहे हो, तो एक जन्म की आपकी यात्रा नहीं, पता नहीं कितने जन्मों की आपकी पावन यात्रा है। तो अपने सौभाग्य के लिए अपने लिए तालियां बजाइए आप। बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं आप सब। समर्थ पद विधि ही समर्थ पदविधि सुभा मंत्रिते परांगवत्सरि प्राक् कडारात् समासः सह सुपा अव्यय भावः अव्ययः उणादयो बहुलं भूतेपि दिश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् प्रनिपात युड्लट् विभाषा कदा करह्यो किं वृत्ति लिप्सायां लिप्स्यमान सिद्धौ बंधने चर्षौ मत जना हलात् कर्ण जल्पकर्षेषु तत्र साधु प्रतिजनादिभ्यः। बहुत अच्छा याद किया बेटे, जोरदार तालियां स्वाति के लिए। और रीता भी खड़ी हो जाएंगी। यस्य चायामः तिष्ठ तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ठ्याव नदीभिश्च संख्यावंशे च अपादाने परीप्सायां द्वितीयायां च स्वांगे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विशिपति पदिस्कन्दां व्याप्यमान सेव्यमानयोः अस्यति दिशो क्रियान्तरे कालेषु धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् शाल्योठक यव यवक षष्टिकाद्यत् विभाषा तिलमाशोमा भंगाणुभ्य सर्वचर्मण किता खय यथा मुख सम्मुख से दर्शन खह तयोर तयोर दा हिलो चिंदसी अनद्य तनेर हिलने तरस्याम सद्य परुत्परार यही शम परेद्य वेद्य पूर्वे जोरदार अभिनंदन इस बेटी का भी, श्री सीता का भी। अब ये कुछ ने तो योग दर्शन भी याद किया हुआ है, तो अंजलि राधिका पार्वती आ जाओ, चलो तुम्हारा दर्शन भी सुन लेते हैं। और जो है अष्टाध्यायी में अभी स्वाति के बाद रामनवमी खड़े हो जाएंगे, रामनवमी के अष्टाध्यायी सुनते हैं। है जोरदार ताली तो बजाओ। कर्मणि विक्रियः दिशेः क्वनि राजनीति युधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पञ्चम्यां जातु उपसर्गे च संज्ञायां लुङ् अनद्यतने लुङ् अभिज्ञावचने लिट् नाकांक्षे। चलिए, ऐसे तो सबको इतना स्मरण है। इनः स्त्रियां नद्रितश्च शेषाद् विभाषा पुरा च परिप्षायां संज्ञायां न संजयाम वा जाते नय सुभ्यम कपि पूर्वम ह्रस्वान तेंत्यात पूर्वम बहोर नय वदुत्तर पदभूमि रीच ह एति ये वर्ण दिधि वेव्यो हो। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है बेटी का रामनवमी का भी। रीचा, वैसे किस किस का पूछे, वैसे बहुत है, लेकिन इससे शास्त्र स्मरण के प्रति आपकी दृढ़ता पैदा होती है। रीचा खड़ी हो जाएंगी और ऋचा भी सुनाएंगी। भुवादयो धातवा उपदेश जननासिका हलंत्यम न विभक्त तुस्मा आद्रि टुडव शह प्रत्यय चुट्टु लशकव तदित तस्य लोप संस्कृतम कुलत्थ कोपधादन तरति गोपुच्छाठ नव द्वेचोष्ठन चरति आकर्षात स्थल परपादिभ्य स्थन। सख्युर्याः ऋषि अपिज्ञात्योर्धक पायनान्तैवाद्युभ्योन् प्राणभृजात्य वयोवचनोद्गात्रादि वन्दिते भ्रातुः ऋतश्छन्दसि नाडीतन्त्रियोः स्वान्ते। चलो जोरदार ताली ऋचा के लिए भी। और मनोजी खड़े हो जाएंगे। ऐसे देखो, आपको याद करना है शास्त्र को, तो जो है मनोजी आइए, जोरदार अभिनंदन मनोजी के लिए, बड़ी बहादुर बेटी है और प्रज्ञावती भी है। गतिश्च उर्यादिच्विडाचश्च अनुकरणम चानिति परम आदरानादरयोः सदसति भूषणेलम अंतर परिग्रहे कणे मनसि श्रद्धा प्रति सुयजोर्ध्वनिर्जीर्यते
छन्दसि लिटः कानज्वा कोशुश्च भाषायां सदवशि वसति निकटे आवस्थात् स्थल प्राघितात् यत् तद् तद्वहति रथयुग प्रासंगम धुरो यर्धकौ एतेतौ एतेतौ रथो एतदोन सर्वशिशोन्यतरस्यं दीपंतम्यस्तस्य। इसके लिए भी मनु महाराज के लिए। तो आइए अब आगे साध्या जी खड़े हो जाइए। केच हीने उपोधिके च अपपरिवर्जने आंग मर्यादा वचने लक्षणे थम भूता ख्याना भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः अभिर भागे प्रतिनिधि प्रतिदानयो अधिपरि संपादिनी कर्म वेशाद्यत तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः योगाद्यच्च कर्मणा उकय समयस्तदस्य प्राप्तम् एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य नन्द्रः संयोगादयः पूर्वोभ्यासः सिचिवृद्धि परस्मै पदेषु अतोलरान्तस्य वदव्रज हलन्तस्य च। बहुत जोरदार सुनाए, बहुत आशीर्वाद इसको भी। और इंद्राणी ओहो इंद्राणी जी खड़ी हुई है। बच्चों आपको अगली बार आपको भी सुनानी है, कुछ औरों को भी लेंगे इसमें। याद करेंगे? कितनों ने याद कर रखी है? थोड़ी थोड़ी तो याद की थी आप लोगों ने पहले। तो चौ समासस्य इति प्रथमः पादः अथ द्वितीयः पादः बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदं तत्पुरुषे तुल्यः। जोरदार तालियां इसके लिए। और धान्यानाम भवने क्षेत्रे घए से आगे सुनाओ। व्रीहि शाल्यो ढक यव यवका षष्टि काद्यत माशुमति दुहश्च नरुधः तपोनुतापे च चीण भाव कर्मणो सार्वधातुकीय कर्तरी शब दिवादिभ्यशन वा भ्राशा भ्राशा भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लशः अचश्च उच्चैरुदात्तः। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद इंद्राणी को भी। थोड़ा बहुत कहीं कुछ घबरा जाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है। इंद्राणी के लिए भी आशीर्वाद। और सुमेधा जी का मेधा का परीक्षा कर लेते हैं। लट्स में अपरोक्षेच ननो पृष्ठ प्रतिवचने ननो विभाषा पूर्वं चास्मे वर्तमान लट लट क्षत्रि शाना चाव प्रथम समानाधिकरण संबोधन तत्र तस्यैव तदर्हम उपसर्गा छंदे से धात्वर्थ तस्य भावस्तोतल अचत्वात् न न पूर्वात् तत्पुरुषाद संगत लवणा वट युध कतरसलस्य धनुषश्च वा संज्ञायाम जायायानि गंधस्य दूत। बहुत अच्छा सुनाया बेटी ने, बहुत बहुत अभिनंदन। सुमेधा की मेधा अच्छी है। तो बेटियों ने बहुत अच्छा सुनाया।